कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर नेगेटिव एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है। कौशल ने बीजेपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग में पिछली सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई, जिससे प्रदेश की जनता से अन्याय हो रहा है। साथ कौशल ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर भी रोष व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इसकी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स अब तक हुई हैं सत्तासीन होने के बाद, अगर उनका अध्ययन हम करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान भाजपा सरकार नेगेटिव एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। अब तक ना किसी कैबिनेट मीटिंग में कोई सोशल वेलफेयर की बात हुई, ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई। अगर कैबिनेट मीटिंग्स में कोई चर्चा हुई और उनमें कोई चीज निकल के आई है, तो वो पिछली सरकार के जो फैसले हैं उनको रिव्यू करने की बात है, उनको रद्द करने की बात है। और इस सरकार ने अपने लगभग 2 माह के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, मैं समझता हूँ उनके साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी सरकार की अभी तक की कैबिनेट बैठक औपचारिकताएं मात्र ही हुई है, केवल पुरानी सरकार के फैसलों को रिन्यू करने का ही कार्य किया गया है। कौशल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मंत्री के सामने ही बड़सर रेस्ट हाउस में पिटाई का मामला सामने आया, जो कि शर्मनाक है। गुड़िया हेल्पलाइन, होशियार हेल्पलाइन शुरू तो कर दी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में क्राइम कम हुआ? बच्चियों के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं रुकी, बढ़ रही हैं। और कानून व्यवस्था की स्थिति तो इतनी खराब हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है, पिछले कल और परसों का उदाहरण है कि एक हिमाचल सरकार के मंत्री के समक्ष एक सरकारी कर्मचारी की बड़सर रेस्ट हाउस में पूर्व विधायक और उनके साथियों ने पिटाई कर दी। जनप्रतिनिधि को, मंत्री को, अगर कोई नागरिक, कोई कर्मचारी, कोई प्रदेशवासी मिलने जाता है और उसकी वहां मंत्री की मौजूदगी में पिटाई होती है, तो इससे बड़ा कानून व्यवस्था का जनाजा और जुलूस और कोई हो नहीं सकता। काफी है।